अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ आंध्रा की मटन बिरयानी। उसके लिए चाहिए आधा किलो मटन, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्चियाँ, एक नींबू, 6 टमाटे, 4 मीडियम साइज़ प्याज, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन, 2 टेबलस्पून घी, 6 टेबलस्पून तेल, 1/2 किलो दही और आधा नारियल, थोड़े से काजू, 10 काजू पीस के रख लेना, और शाजीरा, लौंग, दालचीनी, इलायची, जायफल, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टेबल स्पून मिर्ची, 1 बड़ा टेबल स्पून नमक। एक किलो बासमती चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल डाल रही हूँ उसमें, पहले 2 लौंग, दालचीनी थोड़ी, 2 इलायची, प्याज डाल दी मैं, इसको अच्छे से डाल कर लेना। प्याज ब्राउन हो गई अभी, अभी इसमें हरी मिर्ची, कोथमीर, पुदीना, अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन को थोड़ा भून ली मैं, टमाटे डाल दी इसमें, टमाटे अच्छे से भुने गए और इसमें गोश्त, हड्डी वाला गोश्त ली मैं, आपकी मर्जी है, आप दूसरा भी ले सकते हैं बगैर हड्डी का। मिर्ची हल्दी नमक गोश्त में डाल दी मैं, अच्छे से भून लेना, इसको हाई फ्लेम में 5 मिनट अच्छे से भून लेना। देखिए, थोड़ा पकने के लिए 1/2 ग्लास पानी डालिए, प्लेट ढक के लो फ्लेम में 1-5 मिनट पकाइए। आधे घंटे के लिए मैं चावल भिगा ली और पानी रखी इधर चूल्हे पे दूसरे साइड में। पानी में हरी मिर्ची, कोतमीर, पुदीना, 2 इलायची, लौंग, दालचीनी, थोड़ा सा तेल डाल के रख देना। देखिए, इसमें प्याज टमाटे पूरे अच्छे से भुने गए। अब इसमें दही और वो नारियल का मसाला मिला के रखी ना मैं, मिला ली मैं, वो डाल दी। शाजीरा और ये जायफल, ये डाल देना, इसको अच्छे से भून लेना 1-5 मिनट। अच्छे से भून के लो फ्लेम में दम पे रख दीजिए। अभी ये बन गया है, यखनी बन गई है। अब इसमें ये चावल डाल दे रही मैं,
आधा पका ली मैं चावल। अच्छे से चावल पूरे अच्छे से मिक्स कर लेना इसको। घी, थोड़ा सा घी डाल दी मैं। फ्रूट कलर, इसको दम पे रख देते 10 मिनट के लिए। दम पे रखना है इसको। उसके बाद दम हो गई बिरयानी। अब इसको एक प्लेट में निकाल ले रही मैं। आंध्रा मटन बिरयानी तैयार है। सब ट्राई करिए। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। शुक्रिया। बिरयानी तैयार है। अंबाड़े की चटनी बनाने जा रही मैं बिरयानी के साथ खाने के लिए। मैं चूल्हा ऑन कर ली। इसके अंदर ये अंबाड़ा धो के साफ कर ली इसमें। और इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 बड़ा टमाटा, 1/20 हरी मिर्चियां, थोड़ा सा कोथमीर, थोड़ा पुदीना और इसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल, 1/2 पानी ऐड कर देंगे। इसको 10 मिनट के लिए पका लिए। ये अंबाड़े की भाजी को मैं 15 मिनट पकाई। उसके बाद में इसको घोट ली। बस जरा मोटा मोटा घोट लेना। अंबाड़े की भाजी तैयार है। ये बिरयानी के साथ आंध्रा की बहुत अच्छी रहती है भाजी और ये रहता है उसके साथ। शुक्रिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। शुक्रिया।